पारधी गैंग के 5 आरोपी दुर्ग पुलिस की हिरासत में। गांव के सोने मकानों को बनाते थे निशाना। बैसाखी साहू निवासी ग्राम पिंडी ने थाना धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 मार्च की मध्यरात्रि जब अपने घर पर सो रही थी, तभी रात के लगभग 12:30 बजे घर की खिड़की में लगे ईंट को अंदर की ओर गिराकर 4 जवान लड़के घर में घुस आए, मुंह और नाक को दबा दिए, बांस के डंडे से पिटाई किए, पहने हुए गहनों को निकाल लिए तथा पेटी में रखे पैसों को भी लेकर भाग गए थे। रिपोर्ट पर धमधा थाना में धारा 457-394 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक कपिल देव पांडे एवं थाना प्रभारी धमधा अजय सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बनाई गई। टीम को कार्यवाही में लगाया गया। घटनास्थल एवं आसपास के मार्गों पर त्रिनयन ऐप से सीसीटीवी कैमरों की जानकारी लेकर फुटेज एकत्रित किए गए। टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि घटना पारधी गिरोह द्वारा की गई है। पुलिस को जानकारी हुई कि घटना के बाद से चुनू पारधी खूब पैसा खर्च कर रहा है। जब उसे थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया, कुकुरमुड़ा निवासी उसके साले मंगलू ने बताया था कि ग्राम पेंडी निवासी बैसाखीन भाई साहू सोने चांदी के बहुत सारे जेवरात बनती है, घर में पैसा भी रखती है। मंगलू अपने 4 अन्य साथी किसान दुर्गेश, पिंटू, जितेन और अपने जीजा के साथ मिलकर के घटना को अंजाम दिए। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं अभिषेक राहू, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। पारधी गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ी है, जानते हैं क्या मामला है। ये गोबरा पेंडरी गांव में पारधियों की एक गैंग ने, जिसमें कि 6 लोग शामिल थे, रात को गोबरा पेंडरी गांव में घुस करके एक बुजुर्ग महिला के पहने हुए सारे जेवरात छीन करके ले गए और जो पुरुष थे उनके सिर पर डंडा मार करके उन्हें घायल कर दिया था। और गिरफ्तारी बनी है और उनका गैंग कहां तक है, कहां तक पहुंची पुलिस और पकड़ने में? इसमें इनके ग्रुप में 6 लोग टोटल थे, जिसमें से कि 5 को हमने गिरफ्तार किया है, एक अभी फरार चल रहा है। इसके अलावा इन लोगों ने 3 चोरियाँ और की हैं, एक मम्मी खान क्षेत्र में किया है और हमारे ही एक गिरजापुर गाँव और एक अछोली गाँव में चोरी किया है। कितने की जब्ती है? तो जब्ती हमारे पास टोटल 2-2.5 लाख की होगी। Thank you.